सस्ते बर्ड कहाँ से मिलेंगे? मतलब जितने लोग लव बर्ड का शौक रखते हैं, जो लोग जिन्होंने सेटअप लगाए हुए हैं या लगाने वाले हैं, हर बंदा ही ढूंढ रहा होता है। कुछ लोग अपग्रेड करने के लिए ढूंढ रहे होते हैं, नए परिंदे तो हर बंदा खरीदता ही है। परिंदों की जो खरीद फरोख्त है चलती रहती है। जो लोग बेच रहे हैं वो भी कुछ ना कुछ खरीदने के लिए बेच रहे हैं, म्यूटेशन अपग्रेड कर रहे हैं। कई लोग अपने क्रिमिनोज बेच के जो है फेलोज खरीद रहे होते हैं, कई लोग अपने फेलोज बेच के ऑफलाइन फेलोज ले रहे होते हैं, कई लोग ऑफलाइन फेलोज बेच के डन फेलो लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो भी ब्रीड उनके पास आती है। लेकिन इस सब में सवाल पैदा होता है कि भाई कम पैसों में परिंदे कहाँ से मिलेंगे? हर बंदा चाहता है उसको अच्छी चीज़ मिल जाए और पैसे भी कम देने पड़े। और कई लोगों ने खरीदने के बाद ये गिला शिकवा किया कि यार इसने, फलाने ने मुझे महंगा दे दिया, उसने मुझे महंगा दे दिया, उसने मुझे महंगा दे दिया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखें महंगा हर बंदा महंगा ही बेच रहा है आज के दौर में। आप परिंदों को भी छोड़ दें, आप कपड़े वाले के पास जाएंगे, वहां से कपड़ा खरीद के लाएंगे और आप बोलेंगे इसने मुझे बहुत महंगे कपड़े दिए हैं। आप मॉल में जाके क्या बोलते हैं? बहुत महंगाई हो गई है, कपड़े बहुत महंगे हो गए हैं, ऐसे ही है ना। अगर ये भी छोड़ दें आप, इसके अलावा आप दाल चीनी आटा लेने जाएं, तो आप वहां जाके क्या बोलते हैं? यार बहुत महंगा हो गया। तो महंगा तो सभी दे रहे हैं ना, परिंदों में आप महंगे की बात कर रहे हैं। भाई सब चीज, हर बंदा हर कारोबार में हर चीज महंगी दे रहा है। पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल महंगा दे रहे हैं। तो बात ये नहीं है कि महंगी चीज मिल रही है। अब जो कंपटीशन है, या अच्छी बात जो है वो ये है कि चीज तो महंगी मिल ही रही है, लेकिन आपकी नजर होनी चाहिए कि भाई महंगी चीज लेने के बावजूद उसमें कोई खराबी ना निकल आए। कोई चीज आप महंगी खरीद लेते हैं तो इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन वो खराब अगर होगी तो वो आपके लिए मसला बनेगा। तो सस्ती चीज अब आपको मिल जाएगी, ये तो आप अपने जहन से निकाल दें। क्योंकि यार मैंने तो अब अंधों को भी जो है ना महंगी चीजें बेचते हुए देखा है। मतलब कोई अब बंदा इतना मासूम नहीं है कि जो लवबर्ड की ब्रीडिंग करवा रहा हो और बच्चे निकलने पे आपको सस्ते आके दे जाए। हर बंदा ब्रीडर बनता ही धक्के खा के है, मैं मजाक नहीं कर रहा। कितने कितने नुकसान करवा के लोग ब्रीडर बन रहे हैं। जो लोगों के पास 5-6 तोते निकल रहे हैं ना बच्चों में ब्रीड में, वो भाई कैसे निकल रहे हैं आप उनसे पूछ लो। मेरे सामने के यार सब मैंने देखा हुआ है भाई। लालू खेत मार्केट में आप जाओ, हर बंदा दुख भरी स्टोरियां लेके घूम रहा है। यार गरीब लोग हैं, और जो बड़े ब्रीडर हैं उनको आप क्या समझते हैं? वो भी बेचारे अपना स्टेटस जो है उसको मेंटेन करने के लिए पता नहीं कितने कितने दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं। स्ट्रेस सबको है, ऐसा नहीं होता खाली गरीब आदमी को है तो जिसके पास पैसा है उसको नहीं होगा। भाई जिसके पास पैसा है ना, उसको अपना स्टेटस मेंटेन करने में बड़ा मसला हो रहा है। ठीक है, अगर मसला नहीं है तो वो किसको नहीं है? जो आदमी सड़क पर है। अल्लाह ताला सबको जो है वो अपने अपने घरों में सुकून नसीब करे, अल्लाह ताला सबको अपने अपने घर नसीब करे। मैं ये नहीं कह रहा, किसी सड़क पर रहने वाले का मजाक नहीं उड़ा रहे हम, ना हम चाहते हैं कि कोई बंदा सड़क पर रहे। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि जो आदमी सड़क पर आ जाता है ना, या सड़क पर रह रहा है, उसको इतनी परेशानी नहीं होती। अल्लाह ताला माफ़ करे यार। मकसद कहने का ये है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है ना, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो उसको उसको परेशानियाँ होंगी, यकीनन होंगी। यार एक बंदा सड़क पर रह रहा है, उसके पास करने को कुछ नहीं है, ठीक है, तो परेशानियां तो उसको होनी ही होनी है। लेकिन जो महलों में रह रहे हैं उनको भी परेशानियां हैं क्या? कि वो अपने महल को कंटिन्यू कैसे रखें, अखराजात कहाँ से लाएं? बड़े बड़े बंदे यार, कारोबारी बंदे जो हैं वो आज रोने को आ गए हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, महंगाई की वजह से। तो आप अगर ये समझ रहे हैं किसी ने आपको तोता महंगा दे दिया तो आप लुट गए हैं, भाई ये आपकी बेवकूफ़ी है यार। आप कैसे इतने कमजोर हो सकते हो? मतलब एक सोचने वाली बात है ना। आप आगे की बात करो। चीज अगर आपने महंगी ले ली है लेकिन आपको अच्छी चीज मिल गई है, ठीक है, इट्स ओके, ब्रीड करवाओ। आगे की बात करो, क्या करना है आगे, क्या करना है। फिर जब आपके पास ब्रीड आएगी तो आप भी अपने रेट खुद लगाना, आप जितने अच्छे मैक्सिमम रेट आपको मिल सके आप वो लगा लेना, अल्लाह ताला बेहतर करेगा उसमें आपके लिए। तो ये चीजें जब आप बेचने लगेंगे फिर कोई तीसरा बोल रहा होगा कि तू महंगे दे रहा है, ऐसे ही है ना। तो काम तो इसी तरह ही चल रहे हैं लोगों के। बस ये देखें बेचते हुए भी और खरीदते हुए भी कि कोई खराब चीज हो गई है अगर, तो उसका नुक्स या उसका ऐप जो है वो जाहिर कर दें जिसको भी आप देना चाहते हैं। मैं देखें, मैं कितना छोटा सा काम करता हूँ, इतना मुझे फायदा नहीं है अभी तक भी। मैं बस समझे ट्राइयां मार रहे हैं जिंदगी में अच्छा कुछ करने के लिए, थोड़ा बहुत कमाते हैं, खा पी लेते हैं बस, कोई जोड़ने के लिए कुछ इतना खास बचता नहीं है कि हम कल की तैयारी कर सकें। तो इतना मतलब के नॉर्मल तरीके से गुजारा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास कॉकटेल अगर कोई ख़राब हो जाए ना, किसी का पैर ख़राब हो गया या कोई भी नुकसान आ जाए, परवर चढ़ने लग जाए किसी के, उसको मैं ये लालू खेत में जितने जाल वाले हैं गवाह हैं, ये मेरी शक्लें पहचानते हैं। हो सकता है नाम ना जानते हो, शक्ल से पता है इनको। मैं हर 2 महीने बाद या 1 महीने बाद इतवार मार्केट जाता हूँ, सीधा मैं जाल वाले के पास जाता हूँ,
जितने मेरे पास रिजेक्टेड माल होता है मैं सारा ले जाके उनको दे देता हूँ, ठीक है। तो उस रिजेक्टेड में से जो उनको समझ में आ रहे होते हैं ले लेते हैं, जो नहीं ला रहे होते वो फिर जो वहाँ पे ख़राब कंडम पीसेस ले रहे होते हैं मैं उनको दे देता हूँ, ठीक है। बाकी फिर अल्लाह के हवाले होती है चीज़। कभी गलत बयानी नहीं की, जो ख़राब चीज़ है वो ख़राब ऐसे बंदे को दी है जो ख़राब चीज़ें ही खरीदता है, ऐसे बंदे को नहीं दी जो बेचारा अपनी हॉबी करने के लिए आ रहा है उसको ख़राब चीज़ दे दी हो, ऐसा कभी नहीं किया आज तक। तो आप लोग भी ऐसे ही करें। बाकी जो जहाँ तक रेट की बात है यार, इतनी महंगाई है आप यकीन करें लोग क्राइम कर रहे हैं भाई। आप देख लें, आप कराची के बारे में सर्च करें, आप कितने हालात ख़राब हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो बेचारे पता नहीं गलत चीज़ों पे लग गए हैं, गलत काम पे लग गए हैं। कई लोग बेचारे ऐसे हैं जो ज़िंदगी से तंग आके नशे नशे पर लग गए हैं। फिर जब जो बंदा नशे पर लग जाता है ना वो फिर गलत कामों में आ जाता है, वो फिर गटर के ढक्कन भी चोरी करता है, वो फिर लगे हाथ किसी गैंग के हाथ लग जाए तो वो उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इस तरह के दौर हैं, इस तरह का जो है ना हालात हैं, सब कुछ आपके सामने। अगर ऐसे में कोई बंदा अपनी चीज़ महंगी बेच रहा है तो भाई मैं तो कहता हूँ बहुत फिर भी बाकी लोगों से बेहतर है, ठीक है। और ख़रीदने वाले में अकल होनी चाहिए। तुम्हारे बारे में आ रहा है लो, नहीं आ रहा तो तुम कैसे लोगे यार, मुझे ये बताओ। मुझे तो समझ भी नहीं आती ये बात कि एक बंदा ख़रीदता भी है फिर बोलता है महंगी दे दी। यार आप कैसे काम करते हो, आपको जो चीज़ लेने जा रहे हो अगर आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग गई तो ठीक है, डजेंट मैटर, थोड़ी बहुत महंगी है, चलो मैं कहता हूँ किसी ने ज़्यादा महंगी दे दी है, आपको पसंद थी ना, आप ख़रीद ली आपने, आप ले लो। ख़रीदने के बाद फिर पंगे लेना किसी के ऊपर, वो कहना कि महंगी मिल गई, ऐसे हो गया, या हर वक्त एक ही गुण गाना कि मुझे जो है वो परिंदे नहीं मिल रहे, सस्ते नहीं मिल रहे, महंगे मिल रहे हैं। ये चीज़ें वो होती हैं कि आप अपने आप को कमज़ोर खुद करते हैं। मजाक नहीं कर रहा मैं आपसे, वो चीज़ें सर्च करें कि जिससे आगे बढ़ सकें। भाई मैं तो नेट खोलता हूँ, मैं तो ढूंढता रहता हूँ कोई टॉपिक मिल जाए वीडियो का, या आगे बढ़ने की कोई बात मैं किसी को समझा सकूं। मेरी वीडियो कोई देख रहा है अगर, ये मतलब यार अपने जहन को बड़ा रखें, अपने जहन को खुला रखें, इन चक्करबाजियों से निकल जाएं। ये हो गया तो यूं हो गया तो वूं हो गया, मैं क्या करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। या तो आप कुछ कर सकते हो तो करो ज़िंदगी में, नहीं कर सकते छोड़ दो, दूसरा कोई काम कर लो, ठीक है। अब एक बंदा है, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ यार, मकसद क्या है समझाना है। हो सकता है आप में से किसी भाई ने कोई महंगी चीज़ खरीद ली हो, या किसी ने उसको कोई ज़्यादा महंगी चीज़ भेज दी हो, अब वो आप उससे बिला वजह गुस्सा हो रहे हैं, उसके लिए खुन्नस है आपके दिल में। कई बार मैंने देखा है लोग खुन्नस रखते हैं दिल में, यार इसने मुझे महंगा बेचा है मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अरे भाई क्यों नहीं छोड़ोगे यार, आप सोचो ना यार, उसने आपको एक चीज़ बेची, आपने अपनी मर्जी से ली, और आपकी आंखें अल्लाह पाक ने सही रखी हुई हैं, आपने देख के लिए, आपको पसंद आ रही होगी इसलिए आपने दे दिए होंगे ज़्यादा पैसे। अब दो चार लोग आपको जो है ना बिला वजह उंगली कर रहे हैं, ओए तुझे महंगी देती, ओए ये देख तुम्हारे साथ क्या कर दिया। तो ये दुनिया का दस्तूर है, आप अगर पढ़े लिखे हैं, अगर इंसान हैं, समझदार हैं, तो भाई अपने गोल सेट करें कि मुझे क्या करना है। मैं किसी के कहने पे चलूंगा, या मैं सुनी सुनाई बातों पे चलूंगा, या मैं हर वक्त सोचता ही रहूंगा करूंगा क्या मैं ज़िंदगी में। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो काम करते रहते हैं बेचारे, कई लोग मैंने देखा फ्रॉड हो गए उनके साथ, बड़े बड़े फ्रॉड हो गए यार, ये तो कुछ भी नहीं, तोते वोते कुछ भी नहीं है। कई लोग मैंने देखा ऐसे बेचारे बाहर से आए मजदूरी करके और करोड़ों रुपया लेके यहाँ की प्रॉपर्टी ली, तो उस प्रॉपर्टी के काम में उसको फ्रॉड लगा दिया किसी ने, ठीक है। आज उनसे पूछ लें आप, क्या उन्होंने सांस लेना छोड़ दिया, या पानी पीना छोड़ दिया, या ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजारना छोड़ दी? नहीं भाई, वो दूसरा कोई काम कर रहे हैं, आज अल्लाह ने उसमें कामयाबी दे दी है। तो मकसद ये है, जो आगे बढ़ना चाहता है वही आगे बढ़ पाता है, जिसने नहीं बढ़ना बेचारे ने खुद अपनी कमजोरियां लोगों को देनी है, बतानी है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैंने महंगे बर्ड ले लिए हैं। मैं कौन तुम्हें पूछेगा यार, अल्लाह के बंदे कौन तुम्हारी सुनेगा ये बातें। हमेशा याद रखें, अगर आप समझते हैं कि मैं किसी को अपनी मुश्किलें बताऊंगा तो वो हल हो जाएंगी, तो भाई बताते फिरो, जबकि ऐसा है कुछ भी नहीं। जब भी आप किसी को बताते हैं ना अपनी मुश्किलें, अपने मसले जाहिर करते हैं लोगों के सामने, लोगों ने करना कुछ भी नहीं है, कोई किसी को पूछता नहीं है, बजाय इसके कि आपका मसला हल हो, उल्टा वो आपकी कमजोरी ढूंढ लेते हैं, अच्छा इसके साथ ये मसला है, ठीक है जी, वो फिर आपकी सही बजाते हैं, फिर आपको फिर समझ लेते हैं यार ये बंदा जो है ना, ये जो है डग्गा है ये। सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, ये दुनिया का दस्तूर है। आप किसी को बोलेंगे ना ये मसला है, यूं है, फलाना है, वो बोलेगा डग्गा है ये, दिल में तो यही सोचेगा डग्गा है ये, ऐसे ही है ना। तो ये चीज़ें हैं, अगर बर्ड ढूंढ रहे हैं अपनी प्रायोरिटी सेट करें कि भाई मुझे चाहिए क्या, उस चीज़ की वर्थ कितनी है। अगर उससे थोड़ा सा ऊपर महंगा मिल रहा है लेकिन चीज़ अच्छी है, बाकी जगहों से नहीं मिल रही, उम्र में कम चीज़ खरीदें, ताकि आपको ये डाउट ना हो कि आजमाई भी ना हो मेरी, किसी की आजमाई भी ना हो, ठीक है। तो ये डाउट ख़त्म करने के लिए छोटा पीस लें, 5 महीने 6 महीने का डीएनए करवा लें, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो डीएनए करवा लें, ख़त्म हो गई बात की। हमेशा बात करो आगे की, पीछे फजूल चूँ चाँ ये वो,
ये बस टाइम गुजर जाना है, मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे, टाइम तो गुजर जाना है। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन्स चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हमारे पास गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है, अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पर नजला खांसी मोशन बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल में वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटी लाइसिस स्प्रे जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ हैंड फीड है ये, और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है ये, सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पर आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शन और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231004। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।